गुरु पुण्या का महात्म्य ये है, गुरु व्यास जी हुए थे तो गुरु व्यास जी के मतलब ये गुरु पुण्या बनाया गया, इसका नाम है गुरु पुण्या। तो इनमें गुरु पुण्या का मतलब यह है सिर्फ गुरु का पूजा होता है, जैसे हर चीज का त्योहार हो जाए तो ये गुरु के ही त्योहार है। तो कहते हैं गुरु बनाना आवश्यकता होता है, जैसे शिव पुराण में लिखा हुआ है बगैर गुरु का किसी कोई भी कर्म करेगा वो निष्फल जाएगा, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। कोई दान करे या शुभ कामना करे या भजन पाठ करे तो निष्फल जाता है, और जब इंसान की मृत्यु होता है तो हजारों वर्ष में नरक जाता है। तो इस कारण से गुरु बनाया जाता है, और इनमें से जो है गुरु बनाकर और शुभ काम करे और उनका जो है भाईचारे के साथ में सबके साथ में प्रेम भाव रहे और सारे मिलकर ही गुरु पुण्या का त्यौहार धूमधाम से मनाए, और यही व्रत है।